सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर सिंध और वजीर आला सिंध के हमरा मजार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए। बानी पाकिस्तान कायद आजम की 72वीं बरसी के मौके पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मज़ार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। पाक बहरिया के बिगलर्स ने मातमी धुन बजा कर अजीम कायद को खिराज अकीदत पेश किया और सलामी दी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। तकरीब के बाद सदर मुमलिकत ने मीडिया से बात में कहा कि कोरोना पर काबू पाना भी कौम की अनोखी कामयाबी है। तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान से मुतालिक कहा जा रहा है कि इस कौम से कुछ सीखा जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मुख्तलिफ ममालिक के मुतालिक कहा जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, कि इस कौम से कुछ सीखा जा सकता है। तो ये कौम बिल्कुल तैयार है अपने आप को एक मुस्तकिल अंदाज से दुनिया की अच्छी कौमों के अंदर, कामयाब कौमों के अंदर अपना नाम लिखवाने के लिए। दुनिया की बेहतर कौमों में अपना नाम लिखवाने के लिए पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है। आरिफ अलवी ने कहा कि कायदे आजम के फरमुदात पर अमल करके हम हर मुश्किल से अहद बरा हो सकते हैं। आलमी बरादरी में अपना मकाम बनाने के लिए हमें मोहम्मद अली जिन्ना के उफकार पर अमल करना होगा।